हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है उड़ान कॉम्पिटिशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इनइक्वालिटी। ये तो आप सबको पता ही होगा कि एग्जाम्स में क्या होता है, इनइक्वालिटी से रिलेटेड सवाल भी आपके आते हैं और कई एग्जाम में तो इस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन भी आपको दे दिए जाते हैं। तो जरूरी है कि आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो ताकि आप एग्जाम में 4 से 5 मार्क आसानी से प्राप्त कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ताकि आपको रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका मेथड क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 to 10। यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस मैं आज आपको बताऊंगी, लेकिन एग्जाम में 10 तो नहीं लेकिन 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देते हैं कि इन प्रश्नों में से कथनों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया है। इन कथनों को 2 निष्कर्ष द्वारा अनुसरण कराया गया है। मतलब जैसे जब आप सवाल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो उनका आंसर आपको किस तरह से देना है कि अगर जैसे आप सवाल देख लीजिए, पहले जैसे ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल है आपका। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन 2 पड़ा है, बट 1 होना चाहिए था, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे कथन दे रखा है आपका, ये आपका पूरा सवाल होता है, ठीक है। और सवाल क्या होता है, यहाँ पे आप साइन देखते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल के आपको साइन देखने को मिल रहे हैं। ये ग्रेटर का होता है, ये लेस का होता है और ये इक्वल का। मतलब इसे यहाँ पे अगर n लिखा है और यहाँ पे o और साइन ये लगा है तो इसका मतलब ये होता है कि n बड़ा है o से, ठीक है। और यहाँ पे अगर अगर o यहाँ पे है और n यहाँ पे है, और अगर o की तरफ इसका ये मुंह खुला हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, o बड़ा है n से। मतलब जिधर ये खुला हुआ होगा मुंह, वो लेटर इधर वाले लेटर से बड़ा होगा। और अगर बीच में बराबर का साइन जैसे n और o, तो मतलब n o के बिल्कुल बराबर है। वैसे ही साइन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे 2 निष्कर्ष भी देखने को मिलते हैं, जैसे पहला और दूसरा। तो अगर पहला वाला निष्कर्ष सही है आपका, ठीक है, और दूसरा वाला गलत है, तो आप क्या टिक करेंगे, यहाँ पे नहीं, आप ये जो दिए गए हैं यहाँ पे उत्तर, कि यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, अगर आपका निष्कर्ष केवल पहला वाला अनुसरण करे तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, ठीक है। फिर आप बी को कब टिक करेंगे, जब यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करे, मतलब पहला गलत दूसरा सही आपका हो तो आप बी वाला ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। फिर सी कब, यदि या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, मतलब पहले निष्कर्ष और दूसरे निष्कर्ष में से अगर कोई एक अनुसरण कर रहा है तो आप ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। डी को आप कब टिक करेंगे, जब यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, मतलब पहला वाला भी गलत हो और दूसरा वाला भी गलत हो, तो आप ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, ठीक है। और ई को आप कब टिक करेंगे, यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, जब आपका निष्कर्ष पहला भी सही हो और दूसरा भी सही हो तो आप ऑप्शन नंबर ई को टिक करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन पहला। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक की क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब निष्कर्ष आप पढ़िए। पहला निष्कर्ष क्या है, Q greater than or equal to n, मतलब Q या तो n से बड़ा है या बराबर है। Q n से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी। तो आप इन क्वेश्चंस को, कुछ बच्चे क्या होते हैं मार्क्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व करें। तो आप देखिए, Q से n की तरफ जाइए, मतलब Q बड़ा है n से। अब ऊपर देखिए आप, Q और n, देखिए ये n लिखा हुआ है और ये Q, तो आप Q से n की तरफ जाइए। देखिए Q से n की तरफ आप जा रहे हैं ना, तो आपको खुला ही मिल रहा है, मतलब कोई भी रास्ता बंद नहीं है। रास्ता कब बंद हो जाती है, जब से अगर आप n से g की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे मार्ग बिल्कुल अपोजिट है, तो आप आगे का मतलब जो संबंध होगा वो निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन आप Q से n की तरफ जाइए तो अब देखिए P बराबर है R के, तो आप P की जगह पे R को रख लीजिए, ठीक है, और R बड़ा और बराबर है n के। अब यहाँ पे क्या था, Q बड़ा और बराबर है n के, मतलब Q और n के बीच में आपको हर बार ग्रेटर देन और इक्वल का साइन मिलना चाहिए, तो वो देखिए आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, जैसे Q बड़ा और बराबर है n के, ठीक है। तो आपका पहला वाला निष्कर्ष जो है वो सही हो गया। अब दूसरा देख लीजिए, R बड़ा है E से। अब आप यहाँ पे देखिए, क्या R बड़ा है E से। अब देखिए
यहाँ पे अगर आप R से E के भी तरफ जाएं, तो आप इधर R से N की तरफ गए, लेकिन N से आगे आपका साइन क्या हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे लेस का साइन लगा हुआ है। तो जब आप आगे जाके साइन आपका चेंज हो जाए, आप और आगे ना बढ़ पाए, तो आपका जो होता है क्वेश्चन, मतलब जो निष्कर्ष दे रखा है, वो गलत हो जाएगा। तो आपका दूसरा वाला क्या हो गया, गलत। अब यहाँ पे केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि निष्कर्ष केवल एक ही अनुसरण कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्यू जो है ये दे रखा है, ठीक है, और बीच में आपका कॉमा भी दे रखा है, फिर ये आपका U is equal to R, ये अलग दे रखा है, तो इसलिए आप इसको पूरा पहले सीरियल से बना लीजिए। जैसे पहला निष्कर्ष क्या है, T बराबर है U के, तो देखिए T तो यहाँ है, लेकिन फिर उसके बाद कॉमा और U बिल्कुल अलग दे दिया गया है, तो आपको इसको एक सीरीज में लाना होगा। जैसे T बराबर है U के, तो T ये है, फिर S है, R है, और R यहाँ U से जुड़ा हुआ है, तो आप इस तरह से बनाएंगे कि U बराबर R कर लीजिए, फिर R से T तक की पूरा सेम लिख दीजिए, जैसे R छोटा है S से और S बड़ा और बराबर है T के, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे निष्कर्ष में क्या बता दे रखा है कि T बराबर है U के, तो अगर U और R बराबर है तो U यहाँ पे आ जाएगा ना, अगर बराबर ही है तो। अब देखिए यहाँ पे T और U के बीच में साइन चेंज हो गए हैं, तो आप पहला वाला निष्कर्ष जो है सही है या गलत नहीं बता सकते, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, S छोटा बराबर है U के, अब देखिए अब यहाँ पे U आ गया, क्योंकि U R के बराबर है, अब S छोटा और बराबर है U के, लेकिन देखिए यहाँ पे S तो बड़ा हो रहा है ना U के, तो छोटा बराबर का सवाल ही नहीं होता, इसलिए दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। तो जब आपके दोनों ही निष्कर्ष गलत हो, तो आप किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को, कि ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको निष्कर्ष दो दे रखे हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, जी बड़ा है पी से, तो आप देखिए जी से पी की तरफ जाइए, जी ये है और पी ये है, जी से अगर आप पी की तरफ जाएंगे तो एन तक तो आप गए, लेकिन फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका मार्क चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपका लेस का मार्क दिख रहा है, तो आप आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए पहला वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, एस छोटा है आर से, अब देखिए एस से आप आर की तरफ जाइए, ये आर है और ये आपका एस है, तो एस छोटा है आर से, अब अगर आप यहाँ से गए तो आपको मार्क एक जैसे मिल रहे हैं, यहाँ पे भी लेस, यहाँ पे भी है लेस, लेकिन यहाँ पे ग्रेट का मार्क, ग्रेटर देन का मार्क मिल रहा है, अब यहाँ पे आपका मार्क आके चेंज हो गया, तो आपका दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि अगर आपके मार्क चेंज हो रहे हैं बीच में, तो वो क्या होगा, आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दोनों निष्कर्ष गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहे हैं। देखिए जितनी ज्यादा बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस टाइप के, वो क्वेश्चन आपको उतनी ही आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या है, जे बड़ा है एन से, पहला निष्कर्ष क्या है, जे बड़ा है एन से, यहाँ पे दे रखा है ये पूरा, ठीक है, और पहला निष्कर्ष क्या है, जे बड़ा है एन से, तो जे से आप एन की तरफ जाइए, अब n तो आपका यहाँ पे है, बीच में कॉमा है, फिर j है, तो आप बना लीजिए, जैसे j बड़ा है n से, अब j बराबर था l i, देखिए यहाँ पे क्या होगा, i आपका ये है, फिर i छोटा बराबर है l के, फिर l बड़ा और बराबर है m के, m बड़ा और बराबर है n के, ठीक है। अब आप j बड़ा है n से, अब आप j से n की तरफ जाइए, देखिए यहाँ पे तो बराबर का मार्क दिख रहा है, तो आप जे को आई पे की जगह पे रख लीजिए, कि आई और जे बराबर हैं, फिर आप जे से चलिए, तो यहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं, मार्क बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पे लेस का और यहाँ पे ग्रेटर का, तो आप ये चीज निकाल नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया ना, जब मार्क बिल्कुल अपोजिट हो तो वो आपका गलत हो जाएगा, तो इसलिए पहला वाला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है, एन बराबर है जे के, अब एन बराबर है जे के, ये एन है ना और यहाँ पे आपका जे, तो n बराबर है j के, ये चीज आपकी सही हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्क चेंज हो रहा है, तो आप ये वाला भी नहीं निकाल सकते, तो इसलिए आपका दूसरा वाला भी क्या होगा,
गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी कि ना तो पहला अनुसरण कर रहा है और ना ही दूसरा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप निष्कर्ष देखिए, पहला क्या दे रखा है, एम बड़ा है वाई से। अब एम से आप वाई की तरफ जाइए, एम है ना, एम से वाई की तरफ आप जाइए तो देखिए मार्क चेंज हो गया। यहाँ पे तो सेम, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, डी छोटा है एन से। अब डी छोटा है एन से, अगर देखिए एन बड़ा और बराबर है एम से, ठीक है, तो अगर आप बराबर है तो आप एम की जगह एन को रख लीजिए। फिर आपसे इसमें क्या बोल रहे हैं निष्कर्ष में, दूसरे में कि डी छोटा है एन से। तो देखिए यहाँ पे आपको डी छोटा दिख रहा है ना, कि एन से छोटा कौन है डब्ल्यू, और डब्ल्यू से छोटा है डी, तो डी आपका हर हालत में एन से छोटा हो जाएगा, इसलिए दूसरा वाला जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो जब आपका पहला गलत और दूसरा सही हो तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए कि निष्कर्ष पहला गलत और दूसरा सही है। तो यहाँ पे आपका बी जो होगा वो होगा आपका राइट आंसर। चलिए पढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, निष्कर्ष को पढ़िए कि ए छोटा है एफ से। अब आप ए से एफ की तरफ जाइए, ए छोटा है एफ से। अब देखिए ई और एफ बराबर है तो आप ई की जगह पे किसको रख दीजिए, एफ को, और एफ बड़ा है सी से, सी बड़ा है ए से, तो ए छोटा है एफ से। देखिए ए छोटा है ना एफ से, तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा क्या है, जे छोटा है ई से, तो अब ई बराबर है एफ के, तो आप एफ की जगह पे ई को रख दीजिए, क्योंकि या तो आप ई और एफ बात तो एक ही हो जाएगी ना, तो ई आपने एफ की जगह पे ई को रखा और एफ बड़ा हो गया एच से, और एच बड़ा और बराबर हो गया जे के। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जे छोटा है ई से, तो देखिए छोटा का, छोटे का तो मार्क आपको हर जगह पे दिख रहा है ना, तो यहाँ पे दोनों जगह छोटे का मार्क लगा दिखाई दे रहा है आपको, तो दूसरा वाला भी आपका सही हो जाएगा। जब आपके पहले और दूसरे दोनों सही हो तो आप ऑप्शन नंबर ई को टिक करेंगे कि निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों ही सही है, तो यहाँ पे आपका ई जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये आपको पूरा दे रखा है, बराबर टी है, तो आप यहाँ पे पी बराबर टी यहाँ पे लिख लीजिए, ये बिल्कुल लास्ट में लिखा है तो हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए इसको आप बराबर में लिख लीजिए। निष्कर्ष पहला पढ़िए कि पी बड़ा है यू से, ठीक है, अब पी से आप यू की तरफ जाइए। अब यू और डब्ल्यू बराबर है तो डब्ल्यू की जगह आप यू को रख लीजिए, फिर एल और यहाँ पे पी, इस तरह से पी बड़ा है यू से। तो देखिए पी बड़ा है ना यू से, यहाँ पे आपको दिख रहा है बड़ा है, तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा क्या है, W छोटा है V से, W छोटा है V से। अब अगर W और U, अगर आप W और U बराबर है ना, तो आप U की जगह किसको रखिए, W को, और फिर V, W छोटा है V से। अब यहाँ पे भी आपका दूसरा सही हो गया, ठीक है, क्योंकि W छोटा है V से, तो दूसरा वाला भी आपका सही। जब दोनों ही आपके सही हो तो आप ऑप्शन नंबर ई को जो है वो टिक करेंगे, आपका ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बीच में कॉमा लगा है ना दो के, ये चीज आप ध्यान रखिए। निष्कर्ष क्या है, पहला वी बड़ा है जेड से। अब जेड तो यहाँ पे है पर वी पहले वाले में दे रखा है, तो आप बना लीजिए जैसे टी बड़ा था जेड से, जेड बराबर है एक्स के, फिर एक्स छोटा है डब्ल्यू से, ठीक है, और डब्ल्यू बराबर है वी के, आपने इस तरह से ये बना लिया। पहला निष्कर्ष क्या था, वी बड़ा है जेड के। अब देखिए अगर वी और डब्ल्यू बराबर है तो आप डब्ल्यू की जगह अगर वी को ले आएंगे, और बोला क्या जा रहा है एक्स, देखिए एक्स और जेड बराबर है तो एक्स की जगह पे आप जेड को रख लीजिए, और बीच में मार्क किसका होगा लेस का, इसमें क्या है वी बड़ा है जेड से। देखिए वी बड़ा हो गया जेड से आपका, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो पहला वाला आपका सही हो गया। दूसरा क्या है, टी बड़ा है डब्ल्यू से। अब आप इसको बनाइए, जैसे टी बड़ा है डब्ल्यू से, तो पहले आप नीचे वाला जो ये दे रखा है इसको लिख लीजिए, टी बड़ा है जेड से, जेड बराबर है एक्स के, और एक्स, अब यहाँ वाला लिखिए एक्स छोटा है डब्ल्यू से, तो एक्स छोटा है डब्ल्यू से। अब जेड और एक्स बराबर है, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, टी बड़ा है डब्ल्यू से। अब देखिए टी और डब्ल्यू के बीच साइन आपको बिल्कुल चेंज मिल रहे हैं, यहाँ पे ये साइन है और यहाँ पे ये साइन,
तो दोनों ही साइन चेंज है, तो साइन चेंज हो जाए तो आप वो चीज नहीं बता सकते, तो दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक ही सही है पहला निष्कर्ष, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो टिक होगा, क्योंकि केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण कर रहा है, निष्कर्ष पहला ही सत्य है। चलिए देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये आपका दे रखा है, जैसे P बराबर में ये T जो है, इस T को आप यहाँ ले आइए। अब निष्कर्ष पहला पढ़िए, J छोटा है W से, अब देखिए W से आप J की तरफ जाइए, J छोटा है W से, अगर U और W आपस में बराबर है तो आप U की जगह W को भी रख सकते हैं। अब आपको देखना है कि J छोटा है W से, तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप जाएं तो मार्क्स आपको चेंज मिलना है, ये देखिए बिल्कुल अपोजिट मार्क और ये वाला बिल्कुल बिल्कुल चेंज मिलना है ना, तो आप जब मार्क्स चेंज हो जाए तो वो चीज आपकी गलत हो जाती है, तो इसलिए पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, टी बड़ा है यू से, तो आप देखिए ये यू है और टी आपका ये आ गया, क्या था आपका, टी बड़ा है यू से। अब पी और टी बराबर है तो आप पी की जगह टी भी रख सकते हैं, और यू और डब्ल्यू बराबर है तो आप डब्ल्यू की जगह यू रख लीजिए, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा, टी बड़ा है यू से, तो देखिए आपको यू से बड़ा टी यहाँ पे दिख रहा है, तो पहला गलत दूसरा सही। जब आपका पहला गलत और दूसरा सही हो तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, क्योंकि केवल निष्कर्ष दूसरा ही आपका सत्य है, तो आपका जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, हम आपके लिए एक और वीडियो में इस टाइप के और क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके, तब तक के लिए आप बने रहिए।